मोहिनी को मैं छोड़ूंगी नहीं। उससे मेरी फ्रेंड्स को बुलाकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। वो सबके सामने मेरी नाक कटवाना चाहती है। शी इज डूइंग दिस ऑन पर्पस, जानबूझ के कर रही है वो। और फिर अपने बेटे की तरफ जाए, फिलहाल फंक्शन चल रहा है। आर्यमन और कृष्णा के सामने भाई शादी आ जाती है। यहाँ पर भाई मोहिनी और सिद्धार्थ ने कर ली है शादी। अब सिद्धार्थ का तो सीधा सीधा यही भाई तरीका था ना, उसको पता था कि अगर मैं शादी नहीं करूंगा, मोहिनी को किडनैप करके मार वार दूंगा तो मुझे पुलिस में जाना तो कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पर सबको सच पता लग गया था। अभी तक उसको लग रहा था कि सच नहीं पता लगेगा तो मोहिनी का भी सच नहीं आएगा और मैं उसको मार वार दूंगा, लेकिन यहाँ पर अब इसको हो जाने तो उसके बाद सोचते क्या करना है। नहीं, मैं चुप नहीं बैठ सकती। उस मोहिनी को पता नहीं है उसने किससे पंगा लिया है। मैं मोहिनी का दिल जीतना चाहती हूँ, उसके अंदर जो कड़वाहट है उसे मिटाना चाहती हूँ, और वो तभी हो पाएगा जब हम अपने दिल से उसके लिए कड़वाहट निकाल पाए। उसके सामने यही ऑप्शन होता है कि मैं इससे शादी कर लूं, और यहाँ पर वो शादी करके आ जाता है घर पे। पर सिद्धार्थ की माँ तो बहुत गुस्से में है, वो आग बबूला हो रही है कि भाई तुमने ये क्या कर लिया, और मैं तो बिल्कुल तुम्हें पसंद ही नहीं करती हूँ मोहिनी को। मोहिनी को गुस्सा भी करती है, उसको गला वाला भी दबाने की कोशिश करती है, लेकिन सिद्धार्थ यहाँ पर बचा लेता है। अब भाई हम देख रहे हैं कि एंट्री तो हो गई है। मुंह दिखाई का बहुत शौक है ना तुझे, पर आज मैं तुझे किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी आई। लेकिन यहाँ पर मोहिनी ना धमकी दे देती है कृष्णा को कि मैं तुम्हें अपनी बहन बहन नहीं मानती हूँ, और तुम मोहन भी भूल जाना, क्योंकि मैं मोहिनी हूँ और यहाँ मोहिनी की तरह ही रहूंगी। और तुम ये सोच रही हो ना कि तुम मेरे को इमोशनली कुछ करके यहाँ पर पागल बनाओगी, तो मैं अब वो फंसने वाली नहीं हूँ। मुझे पता है कि तुम सबसे बड़ी धोखेबाज हो। क्या हुआ, दिखाओ। तुम ठीक हो? अब ये सारे धोखेबाज और सारी चीजें भी क्लियर तो हो जाएंगी, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में आर्यमन और कृष्णा कोशिश तो करेंगे बताने की कि मोहिनी क्या सच था और किस तरीके से सिद्धार्थ ने तुम्हें फंसाया था। सिद्धार्थ ने दोबारा तुम्हें फंसा लिया, शादी कर ली, कृष्णा ये भी बोलती है, लेकिन यहाँ पर मोहिनी सुनने को तैयार ही नहीं। भाई हम देख रहे हैं कि मुंह दिखाई हो रही है, मुंह दिखाई में भाई कृष्णा ना बहुत प्यारा सा एक हार देती है यहाँ पर मोहिनी को। कृष्णा तुम ठीक तो हो ना बेटा? क्या किया तुमने, देखो कितना खून बह रहा है। मोहिनी तुम ठीक तो हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? सुंदर लगता है उसको, मोहिनी ले भी लेती है, लेकिन मोहिनी कहती है कि अगर तुम्हें मुझे कुछ देना है तो तुम ना अपना बच्चा दे दो। और यहाँ पर जैसे ही ये बात सुनती है ना बच्चे की, भाई कृष्णा के होश उड़ जाते हैं, और यहाँ उसको ये उम्मीद नहीं थी कि मोहिनी ऐसा कुछ भी मांग लेगी। तो देखते हैं भाई आर्यमन और कृष्णा क्या करते हैं, क्या भाई अपने मोहन के लिए, क्योंकि मोहन को बहुत प्यार करती है कृष्णा, और मोहन के लिए क्या भाई वो अपने बच्चे को भी कुर्बान कर देगी, या फिर यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि मोहिनी और सिद्धार्थ की शादी टूट जाए।